नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। आज का मुकबरा बाईपास डेवलपमेंट अपडेट आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे, आप पीछे इस साइड में देख सकते हैं नाली निर्माण कार्य के नाले हो रहे हैं, उसके बाद तमाम ऐसे वर्कर लग रहे हैं। सीवर का भी काम चल रहा है, उसे पाइपलाइन लगाने का काम। आप सीधा देख सकते हो लोकेशन पे, सीधा राम जन्मभूमि, ये रोड सीधा आपको अगर राम जन्मभूमि जाना है या फिर हनुमानगढ़ी का दर्शन करना है तो आप इस रोड से आप जा सकते हैं सीधे। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम ऐसे मशीनें जो यानी कि निरंतर रोड पर यानी कि कार्य कर रही हैं। देखो ये क्रेन इत्यादि काम कर रहे हैं निरंतर। ये 4 लेंथ रोड बन रही है, काफ़ी अच्छी। जब अभी ये बन रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आने जाने के लोगों के लिए, लेकिन ये बनकर जब तैयार हो गए तो आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा आप राम जन्मभूमि आप जा सकते हैं। उसके बाद नया घाट भी जा सकते हैं, और नया घाट जाने के साथ साथ आप हनुमानगढ़ी का भवन, तमाम ऐसे धार्मिक पहलू उसका आप देख सकते हैं। देखो तमाम ऐसे जो यानी कि जो इस रोड में जो आ रहे हैं तमाम ऐसे घर, वो भी यानी कि टूट रहे हैं। और उसके बाद ये निरंतर आप देख सकते हैं मशीनें कार्य करने में लगी हुई है, निरंतर मशीनें चल रही कार्य करने में, और आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये यानी कि काफ़ी सुविधाजनक रोड बन जा रहा है, काफ़ी सुविधाजनक। जब 4 लेंथ यानी कि कम्प्लीट हो जाएगा तो अभी यात्रियों को यानी कि राम जन्मभूमि जाने में थोड़ा प्रॉब्लम झेलने पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ये जो डेवलपमेंट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा तमाम यात्रियों को। राम जन्मभूमि में जो दर्शन करने आएंगे और भी जो दूर दराज से तमाम ऐसे पर्यटक लोग आते हैं, तो ऐसे पर्यटकों लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि यानी जिन यात्रियों को ऊपर से जाना हो, यानी कि 4 व्हीलर वाले ऊपर से जा सकते हैं और 2 व्हीलर वाले आप नीचे से जा सकते हैं। ये देख लो, ये 4 व्हीलर की यहाँ सुविधा हो, ताकि यानी कि ट्रैफिक जाम ना लगे, ताकि ट्रैफिक बाधा ना हो। ये देखो ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये सामने आप देख सकते हैं सीधा हनुमान श्री राम जन्मभूमि का लोकेशन आप देख सकते हैं। वो देखो, वो टावर के बगल जस्ट बगल में किरान लगाए हैं, यानी कि इतनी ऊंचाई पे यानी कि प्रथम तल्ले का कार्य पूरा हो गया, दूसरे तल्ले का चल रहा है। ये देखो ओवर ब्रिज भी लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, समथिंग अभी लगभग 4-6 महीने का कार्य रह गया है, तो उसके बाद कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये तमाम ऐसे भक्त लोगों के लिए चल जाएगी ओवर ब्रिज। दोस्तों जैसे यहाँ पर आएंगे तो जैसे आपको एक रेलवे क्रॉसिंग मिल जाती थी, तो आपको यानी कि यहाँ पर काफ़ी जाम लग जाता था, लेकिन जाम से जब ये ओवर ब्रिज बन रही है तो जाम से काफ़ी निजाज मिल जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर जाम की समस्या थी तो ये ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। वो देखो आप सकते दोस्तों, ये ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप रेलवे स्टेशन आप आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये लोकेशन आपको देख मुख्य गेट रेलवे स्टेशन के लिए, उसके बाद रेलवे स्टेशन से जस्ट बगल में आप हनुमानगढ़ी का दर्शन भी कर सकते हैं दोस्तों। ये यानी कि मुख्य गेट ये बनाया जा रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अयोध्या से डेवलपमेंट भरी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल ipitouch.com को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता